कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। उमा देवी जी, शिक्षा मित्रों को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए 293 दिन हो गए हैं और भारत इस समय ऐसी जगह पर खड़ा है कि पता नहीं है कि युद्ध होगा आने वाले समय में या आचार संहिता लग करके चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। आज अभिनंदन जो भारतीय पायलट हैं उनको भी पाकिस्तान रिहा करने के लिए तैयार हो गया है और पूरे देश में एक खुशी का माहौल है कि अभिनंदन वापस आ रहा है। जब तक ये पोस्ट रिलीज़ होगी तब तक हो सकता है अभिनंदन जी वापस आ जाएं। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो जितने भी मुश्किल का दौर है, ईश्वर रक्षा करें मेरे सभी भाई बहनों का, परमात्मा सभी की रक्षा करें, लाज बचावें। और क्योंकि हम हिंद देश के निवासी हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई बात आती है, कष्ट सभी को होता है और वो भी वीर सपूतों का, जो माई के लाल अपने नींद को उड़ा करके और अमन चैन की नींद पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। हमें नाज गर्व फक्र है उन भाइयों पे जो शहीद हुए, उनको सत सत नमन करते हुए मैं सच्ची हृदय से द्रवित हूँ। कष्ट है, मेरे पास शब्द नहीं होते जब मैं बोलने आगे बढ़ती हूँ तो, और मैं अंदर से हिलने लगता है दिल दिमाग की, आखिर यह कब तक ऐसा रहेगा, क्या इसका कभी अंत होना है कि नहीं होना है। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है कि जो भी वीर लाल सपूत गया है उसके घर की खुशियाँ सब कुछ छीन गई, उसकी भरपाई करेगा कौन। और खुशी आज भाई की है कि अगर पाकिस्तान संधि को मानते हुए सलामती से भाई को हमारे लौटाते हैं, क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि किसी भी देश को मानव सभी के पास है, पाकिस्तान में जो है वो भी मानव है, जो इंडिया में है वो भी मानव है, जो अन्य देशों में है वो भी मानव है। अगर मानव के हिसाब से आप सोचेंगे तो मृत्यु किसी की हो, कष्ट सभी को होता है। और अगर जो अपने देश के प्रति वफादार ना हुआ, गद्दारी किया, जैसे बार बार आतंकवादियों की बातें आती है, आप आतंकवादी बनते ही क्यों हो, क्यों बनने जाते हो? जो आपको बेवकूफ़ बना करके उस जगह पे ले जाता है आतंकवाद के लिए, आप उसको क्यों नहीं मार डालते हो वहीं, जो आपको उस गिरोह में ले जाता है? और आतंकवादी बनने के बाद आप जब दूसरे के परिवार का विनाश करते हैं तो आपको नहीं लगता कि का इस जगह पे आपका भी परिवार खड़ा होगा, उसके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? अगर यह चीज़ आदमी खुद पे सोच ले तो कभी वह गलत काम नहीं करेगा जी। और आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ और परमात्मा नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। इंसान भले ना देखे, डरते हैं लोग कि कैमरे के नज़र में आप हैं, जी नहीं, आप ईश्वर के नज़र में हमेशा खड़े हैं। उस ईश्वर से डरिए जो आपको इस योग्य बनाया कि इस धरातल पे आप सम्मान पा रहे हैं जी। अगर मोदी जी की बात करें तो पूरे देश में एयर स्ट्राइक को लेकर के बहुत चर्चा है, अभिनंदन जी की वापसी हो रही है उसको लेकर चर्चा है, लोग कह रहे हैं मोदी जी का सीना 56 इंच का है और यहाँ ये 172,000 परिवार वर्षों से, कई महीनों से, 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया गुहार लगाते हुए, लेकिन ना पीएम मोदी की ना सीएम योगी की किसी की निगाह यहाँ तक नहीं पड़ी। जी मैं कहूँगी, अभी मैं बीच में थोड़ा सा होते होते आपकी बातें आई बड़े भाई मेरे, मैं उसी ने रुक गई कि जहाँ शहीद भाइयों की बात करें तो मेरे भी घरों में 1,000 से ऊपर लाशें उठ चुकी है और शोक संवेदना बीजेपी सरकार ने नहीं व्यक्त की है। और मुझे धरना अनवरत देते हुए कितना समय हो गया ये इसके आप लोग चश्मदीद गवाह हैं। मैं घर छोड़ी हूँ 22 मार्च 2018 और मैं घर अपने लौट के न जा पाई। मेरा मात्र एक ही मिशन रहा कि पहले सम्मान, वह कलंक का टीका और वह सच्चाई जो पूरे विश्व में हमारे लिए एक अयोग्यता का मुहर लगा के समाज में परोसा जा रहा है, वह हमसे पहले कलंक को दूर किया जाए। इसलिए मैंने बार बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया और हर मिशन को मोड़ को ला करके मैंने खड़ा किया। और रही बात 56 इंच के सीने की या विकल्प ढूंढने की या संजीदगी से लेने की, तब भी देर है, मैं मानूंगी इस चीज़ को। अगर सैनिक हमारा वहाँ पे उसकी साथ दुर्घटना हो रही है और आप 15 दिन के बाद सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आपको अपने से पहले उस सैनिक की सोचना चाहिए जो रक्षा कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के। अगर वो सुरक्षित नहीं तो आप कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? और अगर आप इस भाव से नहीं सोच रहे हैं
आप सत्ता में बैठे अपने जनता के दर्द को नहीं समझ रहे, मैं लेके आ रही हूँ अपने ऊपर और ये जनता की बात को लेके आ रही हूँ। तो 56 इंच किस भाव में देखा जाता है, जरा उस पर दुनिया विचार कर ले। जो बड़बोली बोल रहे हैं जरा वो विचार कर ले कि 56 इंच तब कहा जाता जब पेट की रोटी के लिए जनता न तड़पती। मेरे परिवार में मौत का वो तांडव खड़ा था जिस तांडव को लोग आंखों से बर्दाश्त न कर पाए और मैं स्वयं सर पे कफन बांध के घर से बाहर निकल गई। विचार करिए, मैं 20 साल की नौकरी कर चुकी थी, नेतागिरी हुई है, लेकिन कभी मैं सामने मीडिया बंधुओं के चेहरा नहीं लेके आती थी क्योंकि मैं स्वयं एक IAS परिवार की बेटी थी। मैं पीछे से सपोर्ट कर देती थी क्योंकि मुझे राजनीतिक छवि नहीं लेके आनी थी। मेरे घर में ऑलरेडी राजनीतिक पेट की रोटी थी, लेकिन यहाँ विडंबना CBI जांच की हुई, चंदा चोरी की हुई, नटवर लालों की हुई और लुटेरों की हुई। मैं मैदान में आके खड़ी हो गई कि जी नहीं, अभी ऐसा मसीहा है शिक्षा मित्र परिवार में जिसने अपने घर से पैसा लगाया है हमेशा परिवार के लिए, जो हमेशा परिवार की मदद के लिए खड़ा रहा है। और आज भी ईमानदारी से मैं डटी हूँ, मैं अभी 1 रुपया किसी से ली नहीं हूँ। पहले तो जो मैंने लगाया सो लगाया, मैंने मंच पटल पे लाके लोगों के सामने एहसास कराया कि लीजिए, आज भी मैं किसी से 1 रुपया नहीं ली हूँ। और वह दौर सभी के सामने चश्मदीद गवाह बना। मुसीबतें बहुत आई, थपेड़े बहुत खाए मैंने। इस थपेड़े के दौर में कई ऐसा मिशन आया जब लगा कि अब शिक्षा मित्र परिवार असहाय होगा, अब हमारे साथ बर्बरता होगी, लेकिन ऊपर वाला हमेशा सहारा बना। मानव नहीं बना, BJP गवर्नमेंट नहीं बनी। मैं झूठ नहीं बोलती, किसी की चाटुकारी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यदि ये हमारी बात को सुने होते तो मात्र एक दिन के धरने में विकल्प निकाल दिए होते कि आज बेटियां मैदान में खड़ी हो गई हैं। और बेटियों को पूरा साल चला गया, विकल्प अभी भी अंदर छिपा हुआ है। और नहीं, इन्होंने जितने आश्वासन दिए इस धरने के दौरान मैदान में, सारे आश्वासन कोरे रहे। इसी इको गार्डन में 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ का परित्याग किया, सुहागिन बहनें विधवा बनी। इस क्रम में भी हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, उस गठन का रिजल्ट भी जीरो। जब इनके 150 ISO का रिजल्ट जीरो हो जाएगा, जो पूरे विश्व ने नज़ारा देखा, पूरा विश्व मेरे साथ आंदोलनरत हो गया, पूरे विश्व ने मुझे समर्थन दिया, और सारे भाई बंधुओं को मैं आभार व्यक्त करूँगी, आर्मी के भाइयों ने भी मुझे समर्थन दिया था और है, वो मेरा मनोबल बढ़ाते थे। और मुझे इतना कष्ट है कि ईश्वर उस जगह पे मेरे भाइयों को इतना सुरक्षित कर दें कि फिर वो दिन मेरे भाइयों को बुरे वक्त का न देखने को रहे। जी, BJP से PM मोदी से CM योगी से क्या कहना चाहेंगी? एक ही अपील करूंगी कि 2-3 दिन और बचे हैं आचार संहिता में, 5-6 से बातें आ रही है कि लगेगा। बेटी गौरव अगर निभाना चाहते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सम्मान कहीं आप पाना चाहते हैं, साफ सुन लीजिए, इसलिए कह रही हूँ, अब सम्मान आपको पाना है। हमारी तो जो दुर्दशा होनी थी हो चुकी है। आपको लेना हो चुनाव में वोट तो आकर के इको गार्डन में करिएगा बेटियों का सम्मान, और नहीं तो जहाँ आप मांगेंगे वोट वहाँ मैं आपका करूँगी विरोध। जैसे कि मुखिया है पूरे भारत देश के, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, संजीदगी अगर दिखा रहे हैं तो ईश्वर करे ऐसी संजीदगी दिखाते रहे। हमारे भी भाई बहनों की पेट की रोटी उतने संजीदगी से लाकर सम्मान दे दें, गौरव दे दें, अयोग्यता का कलंक टीका मिटा दें और बेटियों का इको गार्डन में आकर के गौरव और सम्मान कर लें। हम उनका पुनः सम्मान करने को तैयार हैं, और अगर नहीं देते हैं तो जहां वो मांगेंगे वोट वहां हम करेंगे उनका खुलकर विरोध, क्योंकि सबसे पहले उनके ताबूत में कील ठोकने का काम शुरू करेगी उमा देवी इसी इको गार्डन से निकल करके। और पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध करूंगी, इष्ट मित्र सहयोगी समर्थक शुभचिंतक सभी के साथ, क्योंकि सम्मान पाने के लिए मैं इसी को गार्डन में बैठी हूँ, अपमान के लिए नहीं। मैंने बहुत अपमान सहा, 20 साल से हम लोग अपमान ही तो झेल लेते, 2250 2400 3500 क्या सबके घरों में खर्चा इतने पैसों में चला है? जी नहीं। क्या धरातल पर सभी लोगों ने काम किया है? उठा के देखिए ना, बाल गणना, जनगणना, पशु गणना, पल्स पोलियो, जितने भी सरकारी ड्यूटियाँ या प्राइवेट ड्यूटियाँ आई, अगर किसी ने धरातल पे काम किया तो शिक्षा मित्र परिवार ने। आखिर इसको 20 साल से सरकार ने मूल्यांकन क्यों नहीं किया? और अयोग्यता का मुहर अगर लग रही थी सरकार को कोर्ट में माननीय न्यायालय में, तो सरकार की पहले नंबर की जिम्मेदारी होती है कि अपने जनता के लिए न्यायालय से भीख मांगे, अपील करे, क्योंकि जनता सुख में सरकार बहुत कुछ कर सकती है। जनता के हित में सरकार विनम्र भाव से माननीय न्यायालय से अपील कर सकती है, और माननीय न्यायालय
संवेदना को समझते हुए उन्हें सम्मान बरी करती है। मतलब, कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है, रास्ता निकल सकता। केवल एक दो मामले ऐसे रहे हैं, जैसे वो शब्द मैं नहीं कह सकती हूँ इस मंच पटल पे, उन मामलों में किसी को फांसी दी जाती है, किसी को वो होता है, तो मैं स्वीकार करती हूँ कि चलिए भाई। लेकिन जहाँ आजीवन पेट की रोटी, हमारे माता पिता, हम स्वयं परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो भारत के भविष्य को कैसे बनाने की बात हो रही है, कैसे सुसंगठन गुणवत्ता सुव्यवस्था की बात हो रही है, जहाँ हमारे माता पिता परेशान, हम खुद परेशान, हमारे बच्चे परेशान जी, 172,000 परिवार बिल्कुल परेशान। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से? पेट की पहले उसको पॉइंट करते, पेट की रोटी के लिए जब इतना पूरा परिवार हमारा परेशान, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित होने लगी, बच्चे हमारे स्कूल छोड़कर घर आके बैठ गए। सबकी बात छोड़िए, मेरी बेटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ था और आकर के वो दिल्ली में पढ़ना शुरू की। मैं कैसे मान लूँ कि उन घरों में परेशानियाँ नहीं आई होगी, क्योंकि जो बच्चे संजीदगी वाले होते हैं वो अपने माता पिता के बारे में ज़रूर सोचते हैं। और मेरी बेटी ने कहा कि माँ, आपकी नौकरी चली गई है, अब आप और टेंशन में हो जाएंगी मेरे पैसे को लेकर के। क्या ये भाव कभी सोचने को हम लोगों को विवश नहीं करते हैं? करते हैं विवश। ऐसे ही हर घर में रहा है कहानी। और जिस घर में कर्जे का लोन का लोन लेकर के जिन भाई बहनों ने अपने मकान बनवा लिए, जमीन ले ली, जगह ले ली, बैंकों से टक 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 फोन उनके आने लगे, क्या वो मौत नहीं चुनेंगे तो क्या चुनेंगे? जरा विचार करिए ना। और पूरा साल चला गया, बीजेपी सरकार ने दो टूक शोक संवेदना नहीं व्यक्त की, और गद्दारों ने हमेशा लिखवाया सारे मंत्री नेता विधायक सबसे, हमेशा वसूली की चंदा लूट खसोट किया और गद्दारी से भोंकते रहे। रोज आए दिन अपनी चापलूसी चाटुकारी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दिखाते रहे, ट्विटर। आप तपे मेरे साथ, आप आकर के इको गार्डन में, आकर के विधानसभा पे आपने एहसास कराया पूरे विश्व को कि आप आज भी एक सच्चे हीरे के तरह चमक रहे हैं, आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है। और जो गद्दार चापलूसी में रह गए, अपनी नेता नगरी को चमकाने में रह गए, अपने संगठन को संवारने में रह गए, और दूसरे के सामने चाटुकारी में कहते थे कि हमको बुलावा नहीं आया, उन गद्दारों के मुंह पे इतना मारा थप्पड़ आप लोगों ने कि उनको आजीवन याद रहेगा, क्योंकि वो बेशरम है। बेशरम ना होते तो शायद ये दुर्दशा शिक्षा मित्र परिवार की ना होती। और अपने भाई बहनों से कहूँगी कि आप लोग धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए, दो चार दिन और बचे हैं, सम्मान लेके आऊँगी, ये मेरा वादा। संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के जीवन, इस क्षण में आपका वो परीक्षण हुआ कि आपने नया जन्म पाया है, इसको एहसास करिएगा आप। नया जन्म पाया है आपने, नहीं तो जो दुर्दशा थी ना, उस दुर्दशा को शायद भगवान के अलावा कोई नहीं बदल पाता। और आज भी वही साथ खड़े हुए, जो मैं उनके आशीर्वाद से मैं बराबर लड़ती रही सीको गार्डन मैदान से, मैं कभी नहीं डरी, कभी मैंने पीछे मुड़ने की नहीं सोची, कभी मैंने पीठ दिखाने की बात नहीं सोची, कभी मैंने गद्दारी नहीं सोची दिमाग से, और कभी मैंने अपने भाई बहनों को परेशान करने की नहीं सोची। और जो सोचा वो अपने आप डूब गया, जो मेरे प्रति अनर्गल बात किया वो अपने आप अपने उस जाल में फंस गया। गरिमा में रहते हुए अपने आवाज़ को, अपने मिशन को हमेशा साथ रखिएगा, सच को याद रखिएगा, सच के साथ चलिएगा। और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। नहीं बोलने दिया किसी को, मैंने कुछ एक भाषा नहीं अब शब्द का प्रयोग करने को, करवाने को कहा, लेकिन ग्रुपों में इन लोगों को जो आया इन्होंने किया। एलआईयू मीडिया प्रशासनिक सभी बंधुओं को तहे दिल से आभार भेजते हुए अपने बाड़ी को विराम दूंगी।